अच्छा एक चीज बताइए कि एक एक ऐसे घर में होना जहाँ पे जो लीडिंग फिगर हैं वो देश के इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, है ना, इंदिरा कैबिनेट का हिस्सा है, तो इतने क्लोज क्वार्टर से पावर कॉरिडोर्स को देखना कैसा था? मैंने हमेशा ही पावर कॉरिडोर्स को देखा था. मेरे नाना जो थे वो 22 साल तक राज्यसभा लोकसभा में रहे. क्या नाम? डॉक्टर चंद्रदत्त पांडे, डॉक्टर सी डी पांडे. बाद में वो ऑपोजिट कांग्रेस ओ में थे वो. okay. और मेरे व्हाट इज ग्रैंड अंकल जो कहलाते हैं, अब जो भी ग्रैंड अंकल का हिंदी में क्या शब्द है आई डोंट नो, बड़े ताऊजी. बड़े ताऊजी, ताऊजी नहीं, नाना. ग्रैंड अंकल, माय ग्रैंड मदर्स अंकल. खैर इसको छोड़िए. हाँ. तो वो मतलब कि माय ग्रैंड मदर वाज फ्रॉम वाज गोविंद वल्लभ पंत नीस. तो वहाँ भी मैं थोड़ा देखा था. और मतलब बचपन से अगर एक फैमिली मेंबर पॉलिटिक्स में हो, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, तो देखा ही था कि क्या होता है. और ये देखा था कि जितना लोग थूकते हैं पॉलिटिशियंस पे, पॉलिटिशियंस बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ तो कुछ होती नहीं है. पावर में रहते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू एंजॉय द पावर. आउट ऑफ पावर तो बस और भी मतलब. तो आई थिंक not all politicians are bad, many may be bad, many politicians really have the pulse of the country and bahut prem se wo seva karte hain kisi bhi party mein honge. Acha, aur emergency ka waqt? Emergency ka waqt bahut hi ajeeb sa waqt tha, kyunki mujhe still I still remember 26 June tha shayad, aisa hi kya date thi. तो हमारी एक टेलेक्स मशीन थी जी. तो हम सो रहे थे, उठे, देखा. मैं सवेरे जाके टेलेक्स मशीन में देखती थी आज की क्या न्यूज़ है. तो उसमें आया था कि बंद हो गई थी मशीन. और उसमें एक लास्ट आया था, नाउ इज़ द टाइम फॉर ऑल गुड मैन टू कम टू द एड ऑफ द पार्टी. किस मजाकी व्यक्ति ने ऐसा लास्ट मैसेज भेजा था आई डोंट नो. एंड इसमें ये ज़रूर होता है कि जो एक पोलिटिकल फैमिली के अंदर रहे वो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है. उनको जो कुछ जो बहुत बहुत ही जो गलत बातें हो रही हैं वो ज़रा फिल्टर होके आती हैं. वैसे वी वर नॉट सो प्रोटेक्टेड, तो हम तो समझ ही गए थे कि इमरजेंसी एक कुछ गलत चीज़ हो रही है यहाँ पर. आई वुड से कि माई फादर इन लॉ इन हिज वे ट्राइड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम ऑफ द वर्स्ट एक्सेसेस ऑफ दैट टाइम. She died after that. Indira Gandhi, who I greatly respected, she did bring the elections about. उनके एक गलती हुई उनसे, और एक बड़ी भयानक गलती हुई. और उसमें एक नया जो पूरा लीडरशिप उसी से निकली अगली जनरेशन की, फिर वो लीडरशिप भी थोड़ी बहुत करप्ट हुई, फिर एक और जनरेशन उठ रहा है. तो पर हर बार कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन वीक होता गया होता गया होता गया. तो आई ऑल्दो आई वॉज विद माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड एंड आई, हम लोग काफ़ी दूर रहा करते थे इन सब चीज़ों से, क्योंकि वी डिडंट अप्रूव एट ऑल.